बाबा ये द्वापर युग पे जो शास्त्र लिखे जाते हैं सब संस्कृत भाषा में लिखे जाते हैं। बाबा ये द्वापर युग जो शास्त्र लिखे जाते हैं सब संस्कृत में लिखे जाते हैं। संस्कृत भाषा नहीं बाबा, मतलब संगम युग में हिंदी बोलते हैं। उसका अर्थ होता है सुधरी हुई, इसको स्पेशली आर्टिफिशियली सुधारा जाता है। आज में आशा नहीं थी इतनी, जब सृष्टि का आदि काल होता है तो मनुष्यों को ज्यादा बोल बोल करने की जरूरत है या उनकी आत्मा का वाइब्रेशन ही ज्यादा कार्य करता है? वाइब्रेशन ही इतना तीखा कार्य करता है कि सारे मात्र से दूसरा सामने वाला व्यक्ति भाव को समझ जाता है। वहाँ वाइब्रेशन की भाव की भाषा होती है, अंश मात्र आवाज वाली दुनिया है। और आज की दुनिया आवाज वाली दुनिया है। शक्ति के आज में आवाज नाम मात्र को थी, द्वापर के आज में आवाज की दुनिया शुरू होती है। तो ढेर की ढेर भाषाओं की भी शुरुआत होती है। ये काम एकदम शुरू हो जाता है या धीरे धीरे शुरू होता होगा? धीरे धीरे होता है। पहले बोल बोल की भाषा नहीं थी, जो भी शास्त्र बने वो तो 400-500 वर्ष के बाद बने हैं द्वापर युग में। पहले तो अजंता एलोरा एलिफेंटा की गुफाएं, जो 2-2.5 हजार वर्ष पुरानी गुफाएं मिल रही है, उनमें चित्रकारी होती थी। वो चित्रकारी की भाषा थी। शास्त्र नहीं बनाए गए थे पहले। चित्रों के आधार पर बाद में शास्त्र बनाए गए थे। तो भाषा का सुधरा हुआ रूप नहीं था। पहले पहले लिखे गए हैं वेद, वेदवाणी, उनमें वैदिक भाषा थी। व्याकरण का उतना ज्यादा ध्यान नहीं था, पर बाद में पाली प्राकृत आदि दूसरी भाषाएं आई जो संस्कृत से मिलती जुलती थी। जब ये शास्त्र बने हैं तब ही पाणिनि आदि पंडितों ने आकर के तो भाषा को सुधारा है। सुधारवादी भाषा का ही नाम संस्कृत रख दिया गया। ये 16 कला जो है, 16 कला फसीर में 16 कले और फिर 12 फिर 8 फिर ये लोग का, ये क्या चीज, ये कलाएं क्या? मुरली सुन रहे हो रोज? झूठ बोलो कौआ काटेगा। अरे नहीं, अरे नहीं, रोज आना मुरली। तो मुरली में ये बात नहीं आई है? वो अभी नहीं सुनी कि जो एक बार नहीं 10 बार आई है। एक बार भी नहीं सुनी अभी तो। तुम मुरली नहीं सुनते हो ना? मुरली नहीं आया अभी हमें सुना उसने, तुम सुन रहे हैं रोज ही ना। मुरली में ये बात 20 बार आ चुकी है। हाँ कौन क्लैरिफिकेशन में? हाँ। जैसे चंद्रमा की कलाएं होती है, तो पता है तो ऐसे ही अभी ऐसे ही ये रोशनी है आत्मा की। जैसे दो कला कौन सी कम हो गई? वही दो कला कम। अरे जैसे एक शेर में 16 छटांक होती है, तो ठीक है। एक किलो में 8 कले के बाद 2 कले रह गई तो नंबर है ये।
मीजरमेंट है। ये मीजरमेंट जैसे जैसे घटता जाता है तो कहते हैं आत्मा की ज्योति की क्षीणता हो गई, आत्मा की शक्ति क्षीण हो गई। आठ कलह के बाद कलयुग में बिल्कुल कला नहीं रही, वही शक्ति क्षीण हो गई। आत्मा में जो रोशनी है वो खत्म हो गई, जो सच्चाई को सोचने की शक्ति है वो क्षीण हो गई। सारी दुनिया झूठ के ऊपर चल पड़ी, उसको कहते हैं अंधकार की दुनिया। आत्मा की रोशनी बढ़ती है तो जैसे 16 कला तक बढ़ जाती है। चंद्रमा से उसका मिसाल दिया जाता है, 15 दिन रोशनी घटती है और 15 दिन रोशनी बढ़ती है। ये बढ़ी हुई रोशनी की दुनिया है जिसे सतयुग और त्रेता कहा जाता है। फिर घटती हुई रोशनी और ज्यादा है तीव्र गति से, द्वापर कलयुग कहा जाता है। सतयुग के आदि में है ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा संपूर्ण, और कलयुग के अंत में है कलाहीन। फिर बाप आकर के एक सेकंड में 16 कला संपूर्ण बनाई देते हैं। ये ज्ञान की रोशनी से आत्मा भरपूर हो जाती है, याद की शक्ति से संपन्न हो जाती है। बाकी कोई अलग अलग कलाएं नहीं है जो ब्रह्मा कुमारियां सिखाती हैं, नृत्य कला, संगीत कला, चित्र कला, ऐसा कुछ नहीं है। और हाँ, चंद्रमा का घटना और बढ़ना महीना भर में होता है, क्या ये चंद्र ग्रहण नहीं कहलाएगा? घटना बढ़ना जो होता है वो अकस्मात नहीं होता है, धीरे धीरे होता है। और चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण जैसे माया बता करके अटैक करती है, है? अचानक अटैक करती है, ऐसे ही जो 9 ग्रह हैं उनमें जो चैतन्य ग्रह कहे जाते हैं, धरती के चैतन्य सितारे हैं, उनका अचानक अटैक होता है। जैसे कहते हैं राहु की दशा, अभी ब्राह्मणों के ऊपर ऐसे संग का रंग लगाने वाले राहु की दशा बैठती है। तो ज्ञान में अच्छे खासे चलते चलते रफू चक्कर हो जाते हैं। बाकी ऐसा नहीं है जैसे समझा जाता है। माया अचानक अटैक करती है, वही ग्रहण है। ग्रहण भी कभी अधूरा लगता है, कभी संपूर्ण लगता है, कभी चौथाई लगता है। पूर्व जन्मों के हिसाब के आधार पर 63 जन्मों में हमने जैसे जैसे कर्म किए हैं उन कर्मों के आधार पर हमारे ऊपर आक्रमण होता है। आक्रमण तभी होगा जब हमने कोई के ऊपर आक्रमण किया होगा। ये हमारे कर्मों का हिसाब किताब है जो टाइम टू टाइम हमारी अवस्था को नीचे ऊपर करता है। और किसे कहेंगे? दक्ष माने ट्रेंड। क्या जैसे परिवार होता है या कोई संस्था होती है या कोई भी मैनेजमेंट होता है,
तो मैनेजमेंट को चलाने वाला मैनेजर कहा जाता है। जैसे होटल मैनेजमेंट होता है तो उनको ट्रेनिंग दी जाती है या नहीं है? दी जाती है। तो कोई मैनेजर बहुत होशियार होता है, पक्का ट्रेंड हो जाता है, तो उसे कहेंगे दक्ष। दक्ष शब्द से ही बनता है दीक्षित। तो ये ट्रेनिंग की बात है। दुनिया में जैसे ट्रेनिंग होती है, ऐसे ही मनुष्य सृष्टि को चलाने की ट्रेनिंग है। कोई मनुष्य सृष्टि में 200 करोड़ मनुष्य मात्र को चलाने का मुखिया कहा जाता है। जैसे क्राइस्ट, वो अपने हुजूम का प्रजापिता है, अपने हुजूम को चलाने में दक्ष है। ऐसे ही नंबरवार और भी धर्म पिताएं हैं जो मानवीय सृष्टि के कोई न कोई छोटे बड़े ग्रुप को संचालन करने में दक्ष हैं। परंतु इन सब का कोई बाप है, जो बापों का बाप कहा जाता है। धर्म पिताओं का भी पिता है, हर धर्म में जिसकी मान्यता है वो 100% दक्ष है, ट्रेंड है। दुनिया की पूरी जनरेशन को संचालन करने में और सहज पूर्वक संचालन करने में और खुशी खुशी संचालित करने में ट्रेंड साबित हो जाता है, उसको कहते हैं विश्व पिता। नहीं तो दुनिया में बड़े बड़े हुए जिन्होंने ये लकब लेना चाहा कि हम सारी दुनिया को कंट्रोल करेंगे। अलेक्जेंडर, मुसोलिनी, हिटलर, नेपोलियन, ये सब हिंसक हुए हैं। बाहुबल के आधार पर, हिंसा के आधार पर दुनिया के मनुष्य मात्र को कंट्रोल करने की इच्छा वाले हुए। ये कोई दक्षता नहीं है, वो असफल हो गए। एक ही दक्ष प्रजापिता का गायन है जो सारे ही मनुष्य मात्र का मुखिया गिना जाता है। उसे शास्त्रों में दक्ष प्रजापति नाम दिया है। पिता पहले होता है या पति पहले होता है? पिता जन्मदाता पहले होता है। कंट्रोल करने वाले को, रक्षण करने वाले को पति कहा जाता है। विश्वपति बाद में बनता है। तो जो संपन्न स्टेज है उसका शास्त्रों में गायन है दक्ष प्रजापति। और पंचमुखी ब्रह्मा कहते हैं जी, तो तीन तो हमारे सामने हैं। तीन तो सामने हैं। तीन सामने हैं। कौन कौन है? राम है, सीता है, राम वाली आत्मा, सीता वाली आत्मा, दरगंगा वाली आत्मा। सीता वाली आत्मा तो शरीर साकार में है। सीता वाली आत्मा ब्रह्मा है।
सीता वाली आत्मा जो है ज्ञान का है, सीता वाली आत्मा हमारे मतलब साकार शरीर से है हम लोग, लेकिन ब्रह्मा सृष्टि वाली आत्मा तो है मतलब साकार से तो है नहीं, और यादगार जो है संबंधता का बनता है, यादगार जो भी बनता है संपन्न शरीर का, हाँ जी, तो वो तो आत्माएं हैं और खरीदारी तो है नहीं, तो पंचमयी ब्रह्मा बनता है आत्मा का बनता है जो शरीर से शरीर पे जो खंजन काया भरा है उसी की संपन्न स्त्री बनती। अच्छा तो ब्रह्मा की संपन्नता की यादगार है तो पंचमुखी ब्रह्मा, तो दो मुख कौन से ब्रह्मा कहेंगे, तीन मुख तो है, वो एक समझने की बात है, कोई को पांच मुख होते नहीं है इकट्ठे, अगर हैं भी तो एक सामने मुखिया के रूप में दिखाया जाएगा और बाकी दूसरे कोई राइट ईयर और कोई लेफ्टिस्ट और कोई एकदम पीछे बैक साइड में, तो जैसा जिसका पार्ट है उसी रूप में चित्रित किया जाता है। ब्रह्मा सृष्टि वाली आत्माएं पंचमुखी में शामिल की जाएंगी जी, ब्रह्मा सृष्टि वाली जो शरीर छोड़ चुकी है हाँ? वो शामिल की जाएंगी पंचमुखी, उन्होंने ब्राह्मण सृष्टि की स्थापना का कार्य में सहयोग प्रैक्टिकल में नहीं दिया, दिया भी नहीं दिया सर, तो माना मानना पड़ेगा ब्राह्मणों का बाप, ये बात जो है चर्चा काफी चली थी इसी हिसाब से बताया था, लेकिन वो बात वहाँ पर जो है कट कर दी गई कंपनी में कि वो तो आत्मा है नहीं शरीर से, से नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन वो ब्रह्मा के रूप में तो गायन होगी, ब्रह्मा अधूरा है या संपूर्ण है, अधूरे स्वरूप में गायन तो होगा, हाँ तो गायन है, पंचमुखी ब्रह्मा का भी गायन है, चतुरानन का भी गायन है, और बोलो बोलो तो अभी अष्टदेव जो बताए जाते हैं है। तो उसमें अष्टदेव में एक सूर्यवंशी हो गया है, अष्टदेव में जो आठ देव है उनमें तो एक सूर्यवंशी है, एक ही है सूर्यवंशी, तुम्हें एक ही सूर्यवंशी दिखाई दिया, बाबा बताते ये दूसरा जो है योगी है वो तो सूर्यवंशी पक्का है, पक्का भी जो है सूर्य का है, दूसरा जो है वो चंद्रवंश मतलब आठ जो है अलग अलग उनके हो जाएंगे, फिर से एक इस्लाम वंश निकलेगा। ये बताओ कि वो 84 जन्मों में ज्यादा से ज्यादा जन्मों तक इस्लामी बौद्धि का पार्ट बजाते हैं या सूर्यवंश का ही पार्ट बजाते हैं आठों, जो पक्के सूर्यवंशी होंगे हर जन्म में मतलब हर जन्म में सूर्य साथी होंगे वो इस्लाम मतलब जाएंगे नहीं। ये कहा कि 84 जन्मों में से जन्म जन्मांतर के साथ ही सूर्य के कौन है और कितने, 12 हुए, 12 हैं जन्म जन्मांतर के, शूटिंग पीरियड में देख रहे हो, शूटिंग पीरियड में तुम्हें साथ ही दिखाई पड़ रहे हैं, साथी हैं कि विरोधी हैं, वो दूसरे पंथ विरोधी होंगे लेकिन पक्के जो सूर्यवंशी होंगे फिर तो साथी होंगे, जब से वो तो 12 में चार जो नष्ट देव हैं वो विरोधी दिखाई पड़ रहे हैं या सहयोगी दिखाई पड़ रहे हैं, वो तो विरोधी है, तो फिर सूर्यवंशी कहाँ हुए, तो जो 84 जन्मों में 83 जन्मों में विरोधी साबित हो जाएं या 62 जन्मों में विरोधी पक्के साबित हो जाएं तो उनको सूर्यवंशी कहेंगे, तो वो चार जो विरोधी हो जाते हैं वो तो एकदम कट हो गए, तो ये आठ हो गए फिर चार कौन से हो, चार कौन रहेंगे मतलब सूर्यवंशी और सात, जब नाम ही दिया जाता है सूर्यवंशी तो सूर्य सबसे पहले या दूसरे ग्रह सबसे पहले, तो चाहे बेसिक के आदमी देखो चार घोड़े
और चाहे एडवांस के आदमी देखो चार घोड़े, वो दिखाई पड़े या नहीं पड़े? तो फिर उन्हीं की गिनती कर दो। तो जैसे बाबा मुरली बोला है कि जगन्नाथ के मंदिर में अंडा चढ़ता है, चावल पकते हैं और चार भाग हो जाते हैं। वो संपन्न स्टेज दिखाई गई है या अधूरी स्टेज दिखाई गई है? तो सब 77, 77, 78 ये चारों आत्माएं जो आदमी है तो अंत में, तो ये चार आत्माएं पकी थी दिल्ली में, पकी थी, उनको पका हुआ कहेंगे कि अंडा चढ़ाया गया? तो अंडा चढ़ाया गया कुछ तो पकी और वो अपने 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 अपनी दिशाओं में फैल गई। हाँ, तो जो दिशाओं में फैल गई वो संपन्न स्टेज तो नहीं कहेंगे, सूर्यवंशियों के साथी तो नहीं कहेंगे, साथी नहीं कहेंगे, लेकिन सूर्य जो चार आएंगे उसमें एक सूर्य सूर्य है पक्का सूर्यवंशी। अच्छा, तो जो जब चारों दिशाओं में फैले हैं तो हर मतलब चारों घोड़ों ने जो अपनी सेवा किया है की है, जब दिशाओं फैले तो उन्होंने जो है सेवा किया। कथा करो पूरी। तो जो सूर्य ने जो सेवा किया है तो वो तो पक्के सूर्यवंशी वही होंगे, यानी जो सूर्य ने जिसके सूर्य ने जो जहाँ भी सेवा किया होगा और सूर्य द्वारा जो निकले होंगे जो आत्माएं तो पक्के सूर्यवंशी वही तो कहे जाएंगे। ये कोई बात नहीं होती है, शेर से कोई चीता पैदा हो जाता है, शेर से कोई बगर्रा पैदा हो जाता है, बगर्रा पैदा हो जाता है, शेर तो नहीं पैदा, घोड़े से कोई गधा पैदा, गधे से कोई खच्चर पैदा हो जाता है, तो कैसे हो जाएगा? जैसी धरणी वैसी पैदाइश हो जाती है। धरणी सबकी एक जैसी होती है क्या? सूर्य का जो बीज पड़ा है, सूर्य का बीज तो सारी दुनिया में पड़ता है, ऐसे ऐसे तो जो है 4.5 लाख सूर्यवंशी है जो जीवित रहेंगे, जो 4.5 लाख सूर्यवंशी है पक्के और कच्चे सूर्यवंशी की बात हम कर रहे हैं। अब 4.5 लाख में बाद में जाओ, पहले 8 में तो देख लो, आज ही मैं तो बता रहे हूँ, तो 8 में 8 ऐसे हैं जो आज से लेकर के अंतिम 83वें जन्म तक भी और अंतिम 84वें जन्म में भी यज्ञ के आदि में सूर्यवंशी ही बन करके रहे, सिर्फ संगम युग में आकर के ये ज्ञान का थोड़ा सा अंतर देखने में आता है, वो अंतर ही माया खींच ले जाती है अंतिम जन्म में, और माया के लिए कहा जाता है माया किसी को छोड़ती नहीं। क्या ज्ञान सूर्य को माया छोड़ देती है? छोड़ देती है, है? उसको भी नहीं छोड़ती। तो 8 जो है वो आदि से लेकर के अंत तक सूर्य के साथ ही कहेंगे, सूर्यवंशी ही कहेंगे। थोड़ा सा जो अंतर आता है वो ही सृष्टि में गड़बड़ी पैदा करता है, कोई अव्वल नंबर है, कोई 8वें नंबर पर है। बाकी ऐसे नहीं कहेंगे कि 8 में एक ही सूर्यवंशी है, 7 सूर्यवंशी नहीं है, सूर्यवंशी लेकिन वो चंद्रबंद्र बीज हो जाता है। अरे वो तो तब हो जाते हैं जब 84वें जन्म की शूटिंग में जाते हैं, या पहले ही हो जाते हैं? पहले क्या हो जाते हैं? तो फिर उनकी संपन्नता को देखना है या उनके अधूरेपन को देखना है? संपन्नता को देखेंगे तो संपन्न बनेंगे, उनके भी अधूरेपन को देखेंगे तो नास्तिक धर्म में गिरेंगे। वो सारी सृष्टि के पूर्वज हैं, जो पूर्वज होता है उसको पूर्वजा जन्म लेने वाले की दृष्टि से देखना चाहिए या बाद वाली दृष्टि से देखना चाहिए? बाप, दादा, परदादा, परदादा, ज्यादा पावरफुल कौन होगा? ज्यादा मान मर्तबा हमसे लेने योग्य कौन होगा इनमें से? जितना ही पुराना होगा वो लिज
गोल्ड होगा। उस दृष्टि से ही देखना चाहिए। और बाबा जो रूम भर है, रूम भर जैसे दुनिया में कोई चीज दुकान पे खरीदने जाते हैं, साहूकार होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, तो जो चीज इकट्ठी खरीदता है उसके बाद में कहते हैं ये और लो लो, ये रुंग है तुम्हारी। तो ऐसे ही भगवान भी बड़े से बड़ा साहूकार है, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन है। हर युग की शूटिंग में एक वर्ष रुंग का भी देता है। ये चार युगों की शूटिंग है और उसमें गैलप करने के लिए एक वर्ष और भी नुदा हुआ है। गैलप कर जाओ। और वो प्रश्न बार बार आ जाता है बच्चों के द्वारा, बाबा शंकर के गले में सांप क्यों दिखाते हैं? कहते ना गले पड़ गया। क्या क्या कहते हैं? गले पड़ गया। कोई साहूकार आदमी है, बड़े घर का आदमी है, सभ्य घर का आदमी है, और किसी छोटे घर की स्वभाव संस्कार से खराब परिवार की कन्या के साथ सगाई हो गई, शादी हो गई, अब वो सारा जीवन रोता है, गले पड़ गई। तो ऐसे ही शिव बाबा भी बोलते हैं, मिले न फूल तो क्या करें। ये रुद्रमाला के जितने भी हैं, लूले लंगड़े काने कुब्जे कोड़ी कोड़ी कहाँ कोड़ी भी हैं, उनको अपाहिज कहा जाता है, अष्टावक्र जैसे हैं। अब उनसे दोस्ती कर ली तो दोस्ती निभाना चाहिए या नहीं निभाना चाहिए? दुनिया वाले तो संबंध जोड़ लेते हैं लेकिन तोड़ भी देते हैं, अवसरवादी होते हैं। भगवान तो अवसरवादी नहीं होता है, आदि से लेकर के अंत तक निभाने वाला है और निभाने के आधार पर ही भगवान के पार्ट को भगवान का पार्ट मिलता है। नहीं तो नियम क्या है? एक बार माफ, दो बार माफ, तीसरी बार माफ नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो 70-71 साल होने जा रहे हैं। और तो गले पड़ गई का मतलब ये सब सांप हैं, कोई गले में पड़े हुए हैं, कोई कमर में पड़े हुए हैं, काम विकार की औलाद हैं, कोई गले में पड़े मोह विकार की औलाद हैं, कोई दाई भुजा, कोई बाई भुजा, क्रोध, लोभ की अंधकार, लोभ की औलाद है, कोई सर पर भी चढ़े हुए, अहंकार की औलाद है। उनको किसी को झटकारते नहीं है क्या? वो फुफकार भी मारते रहते हैं,
पार्वती को भी फुकार मार दें। एक दूसरे को तो फुकार मारते ही हैं, तो भी उनको त्यागते नहीं हैं। प्रेम जलाते हैं। प्रेम जलाते हैं। हाँ जी। तो जिसने भी प्रश्न किया हो वो सोचे मैं गले पड़ा हुआ पड़ी हुई हूँ या नहीं हूँ कि छोड़ के भाग जाने वाली हूँ हमेशा के लिए। और दूसरा प्रश्न भी यही है, उन्हें पूछा है ज्ञान को जो वैल्यू देंगे वो जन्म जन्मांतर सुखी रहेंगे क्या? नहीं तो वैल्यू देना माना क्या? ज्ञान को वैल्यू देना माना श्रीमत की कदर करना। बाबा ने जो भी महावाक्य बोले वो सारे ही ज्ञान रत्न हैं। उन ज्ञान रत्नों को जीवन में धारण करना माने वैल्यू देना। जितना हम धारण करेंगे उतना ही औरों को धारण करा सकेंगे। धारण करने वाले यहाँ ज्ञान रत्नों को धारण करते हैं और वहां जन्म जन्मांतर स्थूल धन के अधिपति बनेंगे। अर्थात ये ज्ञान रत्न ही स्थूल रत्न बन जावेंगे। ये जन्म जन्मांतर की बात है, एक जन्म की बात नहीं है। ये बाप का बड़े से बड़ा वर्षा है। बाप है निराकार तो उसका वर्षा भी ऐसा है। अरे बाप इस सृष्टि पर आता है तो क्या धन संपत्ति मैलमारियां लाता है? ज्ञान रतन ही देता है। निराकार बाप की ये निराकारी धन संपत्ति है, इसको अपने जीवन में जो जितनी वैल्यू देगा उतना बड़े से बड़ा साहूकार बनेगा और जन्म जन्मांतर बनेगा। एक दो जन्म की बात नहीं है, अथवा तो जैसे यहाँ जब जब जैसी जैसी शूटिंग करेगा वैसी प्राप्ति करेगा। और महाभारत में युद्ध नकुल ने किसको पूजन किया? कृष्ण का पूजन किया। हाँ कौन? शिशुपाल लौटता है ग्लानि करता है। हाँ कृष्ण का पूजन किसने किया? हाँ तो शिशुपाल ग्लानि करता है। नकुल का पार्ट किसका है? नकुल पार्टधारी कौन है? उनके कोई गुण धर्म है या नहीं है? है? हाँ नकुल वो संन्यास धर्म की भारतीय आत्माएं हैं
जब जागेंगे माने भगवान को पहचानेंगे तो भगवान की पूजा करेंगे, मान्यता देंगे या ठुकराएंगे? मान्यता देंगे। मुरली में बोला है ये बड़े बड़े सन्यासी जब निकलेंगे तो तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। ये जन्म जन्मांतर पवित्रता को विशेष मान देने वाली आत्माएं हैं। वो एवर प्योर बाप के पार्ट को जब पहचानती हैं, तो जो जन्म जन्मांतर के एवर इम्प्योर हैं, उनको अच्छा नहीं लगता है। वो हैं शिशुपाल, अर्थात ज्ञान में चलने वाले जो छोटे छोटे मंद बुद्धि बच्चे हैं, बच्चा बुद्धि, उनकी पालना करने वाले हैं, उनको तोड़ लेते हैं, अपना बना लेते हैं और उनका हुजूम बना करके गालियां देते रहते हैं। किसको? है? भगवान को भी गालियां देते हैं। अभी दे रहे हैं प्रैक्टिकल में। हाँ, नेवला भी तो यही काम करता है कि जब सांप को पकड़ लेता है, विष उगलने वाले सांप हैं, लेफ्टिस्ट या राइटियस, लेफ्टिस्ट, इस्लामी, क्रिश्चियन, मुसलमान, नास्तिक, इनको खंड खंड कर देगा, इनके धर्म का खंडन कर देंगे, टुकड़े टुकड़े कर देंगे, इनके धर्मों का नाम निशान गुम कर देंगे। इसलिए नेवले का पार्ट है। बाबा सत्यम शिवम सुंदरम निराकार का गायन है या साकार का गायन है? ये सत्यम शिवम सुंदरम ये गुणों की गिनती में है या अवगुणों की गिनती में है? गुणों की गिनती होती है। तथाकथित ब्रह्मा कुमारों ने 32 गुणों वाला भगवान का चित्र बनाया है। कौन सा? वो निराकार का चित्र है या साकार का है? जो गुण है वो निराकार के गुण होते हैं या साकारी शक्ति में जब साकार बनता है तब गुण प्रत्यक्ष होते हैं? ऐसे ही ये भी 3 गुण जो भगवान के विशेष गुण हैं, सत्यम, सत्य ही शिव है, गॉड इज ट्रुथ, और आत्माएं ऐसा सच्चा पार्ट नहीं बजाती हैं साकार शरीर के द्वारा, सब झूठे साबित हो जाते हैं। दुनिया में एक ही सदगुरु साबित होता है और बाकी गुरु
झूठे साबित हो जाते हैं। ये सभी साबूती करने में सिख धर्म बड़ा सहयोगी बनता है, इसलिए एक ही सिख धर्म में ये गायन चलता है। क्या? एक सदगुरु निराकार और बाकी गुरु, एक सदगुरु निराकार सच्चा और बाकी सब गुरु हो गए झूठे। शिवम कल्याणकारी, कैसा कल्याणकारी? जो बोलेगा और जिसके लिए भी बोलेगा और जिस समय में भी बोलेगा, वो बात अंत में जाकर के कल्याणकारी ही साबित होगी। वो कल्याणकारी साबित नहीं हो सकता। कर्म इंद्रियों से जो कर्म करेगा, जिसके साथ भी करेगा, जिस टाइम पर भी करेगा, वो प्रत्येक कर्म कल्याणकारी साबित होगा, अकल्याणकारी साबित नहीं हो सकता। बल ये बात अंत में जाकर के साबित होगी। और जो सत्य है, जो कल्याणकारी है, वो ही सुंदर है। देखने का सुंदर वो इन आंखों की बात होती है। तीसरे नेत्र से भी सदैव सुंदर दिखाई दे, वो रूप तीसरी कोटि में वो गुण आता है। माना लास्ट में भगवान की ऐसी अव्यक्त निराकारी स्टेज देखने में आवेगी सारी दुनिया को, कितना सुंदर धर्म पिता दुनिया में कोई भी नहीं हुआ, न क्राइस्ट आकर्षण करने वाला, न बुद्ध, न गुरु नानक, एक भी धर्म पिता इतना सुंदर नहीं होता है जितना वो सनातन धर्म का स्थापन करने वाला धर्म पिता शिव बाबा सारे संसार को आकृष्ट करता है। इसलिए उसका नाम कृष्ण पड़ता है। कृष्ण माने आकर्षण करने वाला। वो ही व्यक्तित्व उसी जन्म में पुरुषार्थ के आदि में आकर्षण करने वाला होता है या नफरत में देखने में आता है? दुनिया वाले उसको ठुकराते हैं या गले लगाते हैं? ठुकराते हैं। दुनिया वालों की बात छोड़ दो, ब्राह्मणों की दुनिया वाले भी क्या करते हैं? ठुकराते हैं। इसलिए मुरली में बोला, एक ही स्वरूप है जो अति का काला, अति का श्याम और अति का सुंदर साबित होता है। नाम क्या है? श्याम सुंदर। खुद तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारी तो कहते हैं, दादा लेखराज ब्रह्मा इस जन्म में श्याम थे, अगले जन्म में सुंदर बनेंगे। अरे ये श्याम सुंदर एक व्यक्तित्व का नाम है या दो पर्सनालिटी का नाम है? एक पर्सनालिटी का नाम है। और हाँ, रामायण में लक्ष्मण को जब शक्ति लगती है तो राम रोते हुए दिखाए जाते हैं। राम रोते हुए दिखाए जाते, रोते हुए दिखाए गए हैं। हैं हैं हाँ, तो
भगवान है रोए काहे, भगवान है तो रोए काहे। बड़ा जैसे कर्म करेगा तो बड़ों को देख, अगर कोई पर आपत्ति आ गई, कोई मरणासन्न होने जा रहा है, तो जो अजीज है वो खूब हंसने लगे सबके सामने, घी पूरी बांटने लगे, लोगों को खुशी दर्शित करने लगे, तो दुनिया भी क्या करेगी, है वो ही करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमको ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे दुनिया को दुख हो जाए, दूसरों के सुख में सुखी होना चाहिए और दूसरों के दुख में दुखी भी होना चाहिए, भले दिखावे के लिए। इतना ज्ञानी बन करके दिखाने की जरूरत नहीं है, कितना ज्ञानी जो मुरली में बाबा बोलते हैं मम्मी मरे तो हलवा खा, हलवा खाने का मतलब कि वास्तव में तुम सबके सामने हलवा बनाओ और हलवा खाओ और हलवा बांटो, लाश पड़ी हुई है सामने, ये हलवा बताया क्या? बेहद का बाप बेहद के बच्चों के सामने बेहद की बातें करते हैं। आत्मिक स्थिति की ऐसी शक्तिशाली स्टेज हो जैसे हलवा में शक्ति होती है कि जो रोने वाली आत्माएं हैं वो भी शांत होने लगे, ऐसी याद की स्टेज में टिक जाना चाहिए। नहीं तो रोने वालों के माहौल में जो सदा हंसने वाला होता है उसको भी आंसू आने लगते हैं। और संगम युग मौजों का युग है या रोने का युग है, रुलाने का युग है, और हम हलवा खाएंगे तो दूसरों को दुख होगा है। और पूछ बड़ी होगी तो पूछेंगे नहीं है, रावण के सिर बहुत हो ढेर के ढेर निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, तो निकलेंगे। श्रीमत के बरखिलाफ कर्म होंगे तो प्रश्नचित्त बनेंगे या प्रसन्न चित्त बनेंगे, प्रश्नचित्त बनेंगे, नहीं तो मुरली से रोज की मुरली से हर समस्या का समाधान हो जाता है। जो अनुभव करने वाले हैं वो अनुभव करते हैं, बाप से तो पूछने की भी दरकार नहीं, बाप मांगने से आकर के देते हैं या खुद ही देते हैं। और अब सब दिखावा करेंगे, चुप। हाँ जी बाबा, हाँ हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा है, हिंदी में जैसा लिखा जाता वैसे ही बोला जाता है, लेकिन अंग्रेजी वैसा नहीं है, ये इसका क्या मतलब, ऐसा क्यों? ये हिंदुस्तानियों की पहचान है क्या, जैसा बोलते हैं वैसा ही करते हैं क्या? और देशवासी जैसा बोलते हैं वैसा करते नहीं है, इसलिए यहाँ की भाषा भी ऐसी है।
ये यादगार है। प्रश्न आया है, रावण यमराज को भी पराजित कर देता है, ऐसा शास्त्रों में दिखाया है। क्या यमराज कौन है? है 108 की लिस्ट में है, 1008 की लिस्ट में है, 16000 की लिस्ट में है, 1,00,000 सालिग्रामों की लिस्ट में है, 33 करोड़ देवताओं की लिस्ट में है। अरे वो कौन सी लिस्ट में है? अरे है? बता रहे तो झूठ बता रहे, सच बता रहे है? 108 की लिस्ट में है, इधर बता रहे 108 लिस्ट में है। इतना ज्ञान लेने के बाद हर एक को अपने पूर्वजों का तो ज्ञान हो जाना चाहिए, जल्दी जल्दी हो जाना चाहिए। अष्ट देवताओं की लिस्ट में धर्मराज भी आ जाता है। क्या? कौन? धर्मराज। ब्राह्मणों की दुनिया में धर्मराज कौन है? जिंदा है? मूर्ति बनेगी? भारत में तो अष्टदेवों की मूर्तियां बनती हैं, मंदिर भी बनते हैं, और दक्षिण भारत में उनकी पूजा भी होती है, पूजन भी होता है। पूजन का आधार क्या है? प्योरिटी, ऐसी धारण की है। माने धर्मराज जो है, मुरली में क्या बोला उसके बारे में? मेरा राइट हैंड है। क्या? कौन है राइट हैंड? है? अरे कोई है या नहीं है? हवा है, कृष्ण वाली आत्मा, आत्मा की मूर्ति बनती है। वो ब्रह्मा नाम है, जैसा नाम वैसा काम। वो अम्मा नहीं है, धर्मराज क्या है? धर्म का और धारणाओं का राजा बन करके प्रत्यक्ष होता है, तब तो दूसरों को दंड देगा। खुद ही कायदे कानून नहीं जानता होगा, खुद ही नहीं चलता होगा, तो दूसरों को दबाव दे सकता है कि तुम भी चलो? नहीं। और धर्मराज से सब भागते हैं या गले लिपटते हैं? है? या शूटिंग भी हो रही होगी क्या? जो भी दुष्कर्मी ब्राह्मण है या ब्राह्मणिया है, वो नाम से ही दूर भागेंगे। बुराइयां करेंगे, धर्मराज की अच्छाइयां उनको देखने में नहीं आवेंगी।
बाप कहते हैं मेरे तो गले लटक जाते हैं क्या, दूसरे धर्मों के भी हो, दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाले भी हो, दूसरे धर्मों की राजाई स्थापन करने वाले भी हो, तो भी वो मेरे गले लपट जाते हैं और धर्मराज से भागते। तो यहाँ ये प्रैक्टिकल में अनुभव किया जा सकता है, कोई प्रैक्टिकल में ऐसा पार्ट बजाने वाली आत्मा है, आठ मणकों के अंदर ही है, कि जिनके ऊपर सब फिदा हो जाते हैं, देखने में आता है जो आता है सो फिदा होने लगता है क्या, खास करके शक्तियों को बाबा कहते हैं राइट हैंड, कहते हैं नहीं वो कहें लेफ्ट हैंड, वो खास करके शक्तियां तो मोस्टली फिदा होने लग पड़ती हैं जिनके ऊपर, वो भी धर्मराज से घृणा करते हैं। और भगवान उसको राइट हैंड बनाता है, बड़े सकते में आ गए सब के सब क्या, झाड़ के चित्र में जड़ों में चार इधर बैठे हैं लेफ्ट वो इधर और चार इधर, वो हमारे लिए इधर वाले राइट हैंड दिखाई पड़ते हैं सामने से देखेंगे तो, लेकिन बीच में दो बैठे हैं सृष्टि के माता पिता के रूप में, उनको कहें जगत पिता जगदम्बा के रूप में बैठे हैं ना, उनमें राइट कौन है और लेफ्ट कौन है, विधर्मियों की तरफ कौन बैठा है और भारतवासियों की तरफ कौन बैठा है, शंकर विधर्मियों, बाप बैठा है विधर्मियों को कंट्रोल करने के लिए, बाप बाहर को संभालता है और माँ अंदर भारतवासियों को संभालती है। तो जो बाप की बैठक है वो बाप बोलता है धर्मराज है मेरा राइट हैंड, बाबा उन्होंने तो माँ बाप को तो गायब कर दिया, उसमें तो नए चित्रों में तो तीन 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 बैठे हुए दिखाते साइड में इधर में नए नए जो चित्र बनाए। आप प्रसंगांतर क्यों कर रहे हैं, जिनकी बात चल रही है वो कहो ना, प्रसंगांतर करेंगे तो लंबा लंबा चौड़ा चौड़ा होता जाएगा। बात हो रही है धर्मराज की, उन आठ में से जो आठ बीज रूप आत्माएं हैं, उन आठ में से एक कौन सी है, क्योंकि भगवान बाप को तो सब पसंद करते हैं, करते हैं या नहीं करते हैं, और भगवान बाप का जो दूसरा मन का सहयोगी है उसको भगवान बाप पसंद करता है, और इतना पसंद करता है, इतनी मान्यता देता है जितनी तीन देवियों को तीन देवताओं ने भी मान्यता नहीं दी क्या। तो जिसको भगवान पसंद करता है
उसको सारी दुनिया आखरीन पसंद करेगी या नहीं करेगी? उसका नाम दे दिया परदादी। ये एडवांस की दुनिया में जैसे परदादी हैं, लास्ट में सब उनको मानेंगे। अभी अज्ञानता के कारण न भी माने, क्योंकि और धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं भी हैं, उनसे प्रभावित होंगी, लास्ट में तो मानेंगे ही। ऐसे ही बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में भी परदादी है। बेसिक ब्राह्मणों में सब उनको पसंद करते हैं। कौन है? हैं? जोर से बोलो। निर्मल शांता दादी। तो वो तो हो नहीं सकता धर्मराज का पार्ट। फिर सूर्यवंश का हेड भगवान स्वयं, भगवान का मर्तबा पा जाता है। होता तो नहीं है भगवान, लेकिन मर्तबा तो पा जाता है। और चंद्रवंश में जो शांत चित्त की प्योरिटी है, वो परदादी पाई लेती है रुद्रमाला में। फिर आगे नंबर किसका आता है? जिसकी निशानी झाड़ में दिखाई गई है, बताओ कौन सी निशानी है? निशानी क्या है, पहचान बताओ। है? सभी धर्म पिताएं सामने बैठे हुए हूँ। अपने ही अहंकार में बैठे हुए हैं। और एक ही धर्म पिता है जो भारत की ओर मुंह करके बैठा हुआ है। अंदर से भी सन्मुख और आखिरी जब पांच प्रत्यक्ष होगा तो सारी दुनिया को पता चलेगा कि अंदर बाहर दोनों से सन्मुख होकर के रहता है। ऐसे सन्मुख रहने वाली आत्मा को ही बाप राइट हैंड बनाता है धर्मराज। भले कोई कितने भी घृणा करने वाले बने, तो प्रैक्टिकल हैंड है धर्मराज कृष्ण वाली आत्मा का अष्टदेवों में। वो बीज रूप आत्मा है। मिलिट्री कौन से धर्म की बहुत खूंखार और कायदे कानून पर सख्त चलने वाली होती है? इस्लाम। उनकी कुरान में जो नीति नियम कानून है वो मिलिट्री शासन के नीति नियम कानून है। कड़क हो करके धर्म के सिद्धांतों पर चलना पड़ता है। करो या मरो। दर्द परिय पर धर्म ने छोड़िए। इसलिए बाबा ने भी बोला, पहले कौन मरेंगे? ये इस्लामी मरेंगे। इनमें ये शिफ्ट है, या तो करेंगे या तो मरेंगे। तो मरने में भी ये अब्बल नंबर है और करने में भी मिलिट्री है। लेकिन वो
अष्ट देवताओं में से एक है, जो बाबा ने बोला कि अष्ट देव जल्दी जल्दी प्रत्यक्ष होंगे। क्या तीन मूर्तियों की तरह धीरे धीरे प्रत्यक्ष होंगे या कुछ ही वर्षों में प्रत्यक्ष हो जाएंगे? जल्दी जल्दी, जल्दी, जल्दी पार्ट प्रत्यक्ष होंगे। सवाल किसका था? अरे सवाल किसने किया था? है हाँ यमराज पर्चे ने सवाल किया था, बताएगा नहीं? तो उस रावण को भी, रावण ने किसको पराजित कर दिया? यमराज को भी पराजित कर दिया। क्या एक काशी नगरी ऐसी है जिसको कोई गड्ढे में नहीं ले जा पाता? क्या अरण्यक राक्षस सारी दुनिया को, सारी पृथ्वी को गड्ढे में ले गया? काशी नगरी छिटक गई। वो तो दूसरा मणका है, बाकी बाकी कितने बचे? है छह बचे। तो छह में पावरफुल कौन है? वो इस्लाम धर्म। हाँ इतना पावरफुल नहीं है जो रावण उसको जीत न सके, रावण भी उसको अंतिम जन्म की जब बात आती है, लास्ट माया का प्रकोप होता है, आखिरी पेपर होता है फाइनल, तो उस मणके को माया रावण क्या कर देता है? पराजित कर देता है, बल पराजित कर देता है। परंतु उसके साथ है कौन? है बाप जिसके साथ है उसका बाल बांका भी नहीं होगा।